उत्तराखंड के लालकुआं में सूर्य उपासना एवं अद्भुत चमत्कारी परंपराओं का त्यौहार छठ पर्व बड़े धूमधाम से क्षेत्र में मनाया गया। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में मनाए जाने वाला त्यौहार आज वैश्विक पर्व बन गया है। छठ पर्व की परंपराएं एवं चमत्कारिक महत्ता देखकर आज पूर्वांचल के अलावा विभिन्न प्रदेशों में एवं विभिन्न मान्यताएं मानने वाले लोगों में भी आज छठ पर्व का महत्व बढ़ता जा रहा है और अनेकों लोग परंपराओं के अनुसार इस छठ पर्व का व्रत लेकर सूर्य की उपासना करते हैं। विश्व में यही एक ऐसा पर्व है जहां चढ़ते सूरज को अर्घ्य देकर तो पूजा की ही जाती है, लेकिन उससे पूर्व अस्त होते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। वरिष्ठ समाजसेवी महिला भाजपा नेत्री एवं नगर पंचायत सभासद श्रीमती राजलक्ष्मी पंडित ने बताया कि 3 दिन का यह व्रत महिलाओं द्वारा निभाया जाने वाला आस्था एवं सनातन धर्म की परंपराओं का पर्व है तथा परिवार के साथ ही समाज कल्याण की भावना रखते हुए सभी व्रत रखने वाली महिलाएं इसका पालन करती हैं। लगातार 36 घंटे तक व्रत का पालन करने के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत खोलने वाली यह परंपरा द्वापर काल से ही चली आ रही है। ग्रंथों में भी कुंती द्वारा सूर्य की पूजा का वर्णन किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के साथ इसका समापन किया जाता है। लालकुआं से उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट। जो भी पहले दिन नहाय खाय होता है, दूसरे दिन होता है खरना का व्रत, जो पूरा दिन निर्जल रहते हैं, रात को नए चावल और गुड़ का खीर बना के खाते हैं, दूसरे दिन निर्जल व्रत रहते हैं। बस यहाँ शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और सुबह उठते हुए सूरज को।